टाइम्स की न्यूज़ देखने के लिए फेसबुक पर लाइक करें, यूट्यूब पर सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें। ये संयुक्त विचारधारा मुत्तहिदा सोच इस नाम से एक संस्था बनाई गई यहाँ पर, संयुक्त विचारधारा फाउंडेशन, जिसमें पूरे वार्ड और या पैनल के कब तकरीबन 40 से 45 बिल्डिंग के लोग हैं, मोतबर शख्सियत है, चेयरमैन है, सेक्रेटरी है, डॉक्टर्स है, लॉयर्स है, बिजनेसमैन है, बिल्डर है, सदर्स है, बहुत सारे लोग इसके अंदर ऐसे जुड़े हुए हैं जिनकी अपनी इलाके के अंदर एक अच्छी पकड़ है और एक अच्छी नाम है। इस संस्था का आज स्थापना दिवस था, रजिस्ट्रेशन को होकर भी 2 महीने हो गए थे, मगर आज हमने इसका स्थापना दिवस रखा था ताकि लोग एक दूसरे से मिले, पता चले कि कौन अध्यक्ष है, कौन वाइस प्रेसिडेंट है, कौन सेक्रेटरी है, कौन किस पोस्ट के ऊपर। साथ ही साथ हमने हमारे इलाके में कुछ ऐसे बिहाइंड द कर्टन हीरोज है, उनको हमने फेलिसिटेशन किया, जिसमें फैसल नाम का एक लड़का है जो रशिया से गोल्ड मेडल लेकर आया बॉक्सिंग में, उसको हमने फेलिसिटेशन किया। डॉक्टर असीर जो आज मैराथन के अंदर गोल्ड मेडल लिए, उनको हमने किया। ऐसे बहुत सारे, जोया खान जो कोविड में जिन्होंने दिन रात एक कर अपना काम किया, उनको हमने किया। इस तरीके से हमने 8-10 लोगों को फेलिसिटेशन किया यहाँ पर। प्लस आने वाले दिनों में हमारे इस फाउंडेशन के थ्रू हम क्या काम करने वाले हैं उसके बारे में अपडेट किया है, फाउंडेशन किस मकसद से बनाई गई। मनोज भाई, मुन्ना कौशा में बहुत सारी संस्था है, इस संस्था का क्या मकसद होगा और ये क्या सिर्फ तनवर नगर तक ही सीमित रही? नहीं, ये संस्था शुरुआत तनवर नगर से हुई है और अल्लाह ने चाहा तो ये बहुत जल्दी पूरे मुमरा कौशा और हमारी कौम के और जो भी जिनको क्या बोलते हैं जुल्म होते हैं, जिनके ऊपर ऐसी औरतें और ऐसी बच्चियां जो घर में बैठी हुई है, पैसों के से उनकी शादियां नहीं हो रही, इन सारी चीज़ों को मद्देनज़र रखते हुए उनके काम करेंगे। सिर्फ वार्ड के लिए नहीं, ये सारे समाज के लिए बनाएंगे। क्या कहेंगे महिलाओं के लिए, क्या काम कर रहे हो, खास करके जो महिला है जो रोज़गार से जुड़ना चाहती है और तालीम हासिल कर, उनके लिए क्या जी? तो अस्सलाम वालेकुम, महिलाओं के लिए मैंने यही अभी हमारे इवेंट में भी मैंने यही मोस्टली इम्पैक्टफुल चीज़ जो है जो मैं करना चाहती हूँ लेडीज़ के लिए, वो है उनको घरों तक काम पहुँचाना, जिसकी मैं पूरी कोशिश कर रही हूँ। मैंने एक टीम तैयार कर रही है, वो टीम के साथ मिलकर मैं लेडीज़ को घरों तक, जैसे मास्क स्टिचिंग हो गया, फिर कपड़ों पर मोती टांगना, वो सब काम जो है जो घर बैठे बैठे जो लेडीज़ बाहर नहीं जा सकते जो घर बैठे कर सकते हैं उनके लिए वो काम, प्लस औरतों के जो मसले मसाइल है, जो प्रॉब्लम्स होते हैं, डोमेस्टिक वायलेंस, ये बहुत सी चीज़ें, जैसे मेरे वालिद साहब ने अभी आपको बताया कि जो लड़कियां घर पर है जिनकी शादी नहीं हो पाती पैसों के वजह से, मॉनेटरी चीज़ों के वजह से, तो उनको भी हम ये संस्था के थ्रू हेल्प करेंगे इंशाल्लाह। और एडुकेशन पे मेरा सबसे मेन फोकस है, जैसे मैंने मेंशन किया पहले भी कि मैं बहुत डिफरेंट डिफरेंट जगह से मैंने अपना एडुकेशन मुकम्मल किया है, तो उस चीज़ को लेकर मुझे एक एक्सपीरियंस, पर्सनल एक्सपीरियंस मेरा ये रहा कि मुमरा में एडुकेशन सिस्टम इतना डेवलप्ड नहीं है जितना, क्योंकि मैंने बहुत जगहों से एडुकेशन हासिल की है, तो मुझे पता है कि और बेहतर हो सकता है, तो मेरा मेन फोकस रहेगा एडुकेशन के। कोरोना काल के दौरान जिस तरीके से जो लड़कियाँ जो ड्रॉप आउट हुई उसके लिए आपकी संस्था क्या करेगी? जो लड़कियाँ ड्रॉप आउट हुई है मतलब क्या वजह से? वजह ये है कि कोरोना काल के जो हालात है उसको देखते हुए लोग फीस नहीं भर पाए, एजुकेशन छूट गया जी। अब वो लड़कियों, ऐसे हमारे पास बहुत से मसले आए भी थे लोगों के कि फ़ीस नहीं भर सके इसीलिए एडमिशन नहीं हुआ स्कूल में, या स्कूल वाले ले नहीं रहे, तो वैसे लोगों की, बहुत से लोगों की हमने खुद फ़ीस भरी है और उनको वापस स्कूल में या कॉलेजेस में दाखिला दिलवाया है जितना हमसे हो सका। और उसके अलावा जो फर्स्ट से लेके 8th स्टैंडर्ड तक के बच्चे हैं उनके लिए मैंने RTE की स्कीम रखी थी, राइट टू एडुकेशन की, जिसके थ्रू उनकी पढ़ाई फ्री में हो सकती थी, तो जो लोगों को फ़ीस या पैसों का इशू था तो वो फ्री में अपने बच्चों को 1st स्टैंडर्ड से लेके 8th स्टैंडर्ड तक अच्छा एडुकेशन दे सकते हैं।